हेलो एवरीवन दिस इज़ देशन बिटी ऑन एम चैप्टर देखिए स्टूडेंट्स हमने जो अभी फर्स्ट टेन क्वेश्चन किए हैं इनको हमने सारा बेसिक पढ़ा था व्हाट इज़ ऑल अबाउट एम हमने पूरा उसका प्रोसेस पढ़ा था हमने हमने देखा था कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेकओवर कर रही है तो उसका जो डील प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड परचेज कंसड्रेशन फिर हमने पढ़ा था परचेज कंसडेशन को जो है मेनली दो ब्रॉड सेंस में इसको हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज नेट पेमेंट मेथड एंड नेट एसेट मेथड इसके बाद हमने पढ़ा था कि एमलगमेशन के बेसिकली दो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि एमलगमेशन का प्रोसेस क्या है हमने पढ़ा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तो इस ये दोनों नेचर को आइडेंटिफाई कैसे करना है और इसकी और क्लैरिफिकेशन लाने के लिए मैं एक एडिशन वीडियो ले चले के आया हूँ ताकि आप उसको अच्छे से और पढ़ें राइट चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी आपको बैलेंस शीट गिवन है बी लिमिटेड की हम डायरेक्टली जो है इसके एडिशन पढ़ते हैं ए लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल एसेट्स एंड लाइबिटीज ऑफ बी लिमिटेड

अब यहाँ पर बुक वैल्यू पे नहीं देखो लिखा हुआ है देखो गुडविल कितने की है वन लाख ट्वेंटी की और आप देख सकते हो तो गुडविल की वैल्यू कितनी तो इसका मतलब गुडविल यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू पे एक्वायर की है सेम एज फॉर हैल्यू कितनी है लगाई उन्होंने फोर लैख थर्टी थाउजेंड लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितनी है थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो इसका मतलब वो मार्केट वैल्यू पे वो एसेट्स एंड लाइव को टेक ओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया ये अमल के मिशन इन द नेचर ऑफ परचेज

जिसकी वैल्यू कितनी है टेन तो टोटल वैल्यू कितनी होगी टू लैख अब यहाँ पर बी लिमिटेड कंपनी क्या बोल रही है बी लिमिटेड बोल रही है कि हम जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है टोटल परचेज कंसिडरेशन का वन फोर्थ अमाउंट देंगे ऑलराइट राइट वन फोर्थ अमाउंट देंगे जिसकी फेस वैल्यू भी हंड्रेड होगी यानी कि पहले भी हंड्रेड थी अभी भी हंड्रेड है चेंज क्या हुआ है

ये हमें बनाना है इन बुक्स ऑफ बी लिमिटेड इन बुक्स ऑफ़ बी लिमिटेड और ए लिमिटेड हमें जेनेटरी पास करनी है और राइट सो ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है देखिए अब हमें पता है कि इन द नेचर ऑफ परचेज तो है ही आपका बट हमें अब हमें क्या करना होगा देखो ये आपको पता है कि पच्चीस कंस्ट्रेशन अब हम नेट पेमेंट की तरफ नहीं निकाल नहीं सकते तो हमें नेट एसेट की तरफ जाना पड़ेगा और नेट एसेट में क्या करेंगे हम जितनी भी एसेट्स एक्वाय करिए एट मार्केट वैल्यू माइनस ऑल द माइनसिटीज एट मार्केट वैल्यू या जो भी गिवन है ठीक है तो आपके पास आ जाएगा नेट एसेट राइट तो सोल्यूशन देखिए इसका ये देखिए मैंने सारी यहाँ पर एसेट्स लिख दी है एट मार्केट वैल्यू

फिर क्या बनाते हैं? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि तो right? यहां पर, पर भी हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे यहां पर भी बैंक बनाएंगे यहां पर भी, भी पार्टनर्स नहीं बनाएंगे वहां पर क्यों ओनर है यहां पर की है। जो अपने बढ़ाता बढ़ा है तो यहाँ पर अब पार्टनर्स नहीं होंगे यहाँ पर होल्डर्स एंड एंड इक्विटी बस यही है और कुछ डिफरेंस नहीं है राइट तो जो जो कंपनी डिजोल्व होली जा रही है यानी हम इन द केस ऑफ ट्रांसफर कंपनी और यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी कौन नहीं है कौन सा बी लिमिटेड कंपनी तो बी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम सब ये अकाउंट बनाएंगे सारे राइट चलिए तो देखिए इन द दे बुक्स ऑफ बी लिमिटेड हम पहले बना रहे हैं रिलेशन अकाउंट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको मैं जैसा बोल रहा हूँ आप वैसे ही फॉलो करोगे करो तो आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी राइट right? पहला स्टेप देखिए आपका रिलेशन अकाउंट है और रिलेशन आपको पता है ये कौन सा आपका नेचर होता है दैट इज को नोमिनल नेचर कहते हैं नॉर्मल नेचर मींस दैट मींस डेबिट ऑल ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स राइट तो देखिए एसेट्स को आप रियलाइज कर रहे हो तो सारे एसेट्स को आप डेबिट साइड में लिख दो जितनी भी एसेट्स है इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक ये किस पे लिखोगे एट बुक वैल्यू ओनली ये आप किस पे लिखोगे

ये देखिए आपको पचास हज़ार गीमें था वही मैंने कॉपी कॉपी कर दिया पचास हज़ार राइट अच्छा ये कौन सा बैंक अकाउंट है यहाँ पर जो है बी लिमिटेड ने नेक्सप्रेंस बी ए किया है तो एक्सपेंस को यहाँ पर डेबिट डेबिट करना होगा तो टेन थाउजेंड यहाँ लिख दिया मैंने राइट अभी जिसमें मैंने जिसमें मैंने टिक करने से वो पहले लिखोगे ठीक है इसके बाद अब लाइब्रेज भी जा रही है तो लाइब्रेज बन लाइक एट बुक वैल्यू ट्रेड क्रेडिट्स ट्रेडेजी थाउजेंड बुक वैल्यू

डेटर से हमें दस लाख रुपए लेने वो हमने अलग दिया अब इसके बाद ये दस लाख रुपए पे पे पेमेंट आएगी कैसे पहले प्रोफेंशन होल्डर को तो इतनी पेमेंट करनी है इक्विटी होल्डर को इतनी पेमेंट करनी है एंड इतनी कैश में पेमेंट करनी है पूरे हो गए दस लाख रुपये कोई दिक्कत नहीं है अब ये अकाउंट क्लोज हो गए का अब इसके बाद दो ऑनर का बनाएंगे यानी कि प्रोफेंशन होल्डर एंड इक्विटी शोल्डर मेक श्योर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर दो ऑनर हैं पहले आप कौन सा अकाउंट अकाउंट क्लोज करोगे इसके पीछे लोजेगा आप सुन लीजिए देखिए जब भी कोई कंपनी डिजोल्व होती है तो सबसे पहले जो पेमेंट किसको की जाती है दोनों में से सबसे सब पहले प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट की जाएगी तो आप सबसे सब पहले प्रेफरेंशियल होल्डर का अकाउंट क्लोज करोगे बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का राइट तो क्या करना है आपको यहां पर देखिए इक्विटी जो लिमिटेड में टेन परसेंट प्रेफरें कितने थे दो लाख रुपए के थे और नई कंपनी यानी कि न्यू कंपनी उनको ढाई लाख रुपए के जो क्या दे रही है शेयर दे रही है तो रिलेशन में कितना चला गया

रिजर्व थे जनरल रिजर्व एक लाख बीस हजार के पी एन एल सत्तर हजार के राइट और कितना मिल रहा दो चालीस दो का उनको एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है तो वो यहां लिख दिया और रिलेश में कितना चला गया आपका पचास हजार राइट अब ये जो पचास हजार है वो आप यहाँ लिख दोगे दैट्स इट सारे अकाउंट क्लोज हो गए आपके ऐसे बैंक अकाउंट में आएगा या आपका टैली हो जाएगा आपका ये बैलेंस बोर्ड था ए लिमिटेड में इतना रिलेशन में इतना ये, ये रिलेशन से और इक्विटी शोल्डर से दैट्स इट अब इन द बुक्स ऑफ ए लिमिट हम जनरेटर पास करेंगे पहले एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड अमाउंटिंग ऑफ रुपीज टेन लैक दैट इज परचेज कंसिडेशन के बाद एंट्री क्या होगी आपकी ऑल एसेट्स टू ऑल लाइबिटीज़ अच्छा ये मैंने जो एसेट्स लिखी है ये मैंने किस पे लिखी है एट मार्केट वैल्यू सेम फॉर लाइबीज राइट यहाँ पे यहाँ पर मैंने इंक्लूडिंग गुड बिल भी लिख दिया है राइट right? तो आप देख सकते हो तो यहाँ पर लाइक कोई बैलेंस भी करना तो डेबिट साइड में आ रहा ना क्रेडिट साइड में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद लिक्विड ऑफ बिलिमिटेड टेन लैक्स से पेमेंट कैसे हो रही है वो यहाँ लिख दिया हमने पेमेंट की जा रही है बाईन नंबर एक्स वाई जेड अग्री टू एक्वायर दिजनेस एक्सेप्ट कैश अब आ गया कैश एक्सेप्ट कैश दीन्स हो गया आपका इन देशर ऑफ परचेज

हर शेयर पे जो है पांच रुपए दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितने हैं शेयर है तीस the हजार तो यहाँ पर हो गया डेढ़ लाख रुपए का ये कितना हो गया सिक्सटी थाउजेंड प्लाई बाई फिफ्टीन दट इज नाइन लाख

क्या लिखा हुआ है द इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फोर्टीन परसेंट डिबेंचर लिमिटेड एट फोर परसेंट डिस्काउंट एज इट सफिशेंट टू डिस्चार्ज द दर्सेंट डिचर्स ऑफ के एल एम लिमिटेड एट ए प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी परसेंट देखिए यहां पर क्या है दो दो कंपनी यहां पर एक तो कंपनी है आपकी के एल एम एक्स वाई लिमिटेड राइट यहां पर आपको देखिए जो बैलेंस शीट गिवन है बैलेंस शीट आपको गिवन है एक्स वाई जेड जो एक्वायर कर रहा है के एल एम को राइट के एल एम कंपनी है वो एक्वायर कर रही है सॉरी एक्स वाई जेड एक्वायर कर रही है के एल एम कंपनी को राइट इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस कंपनी के कुछ डिबेंचर्स हैं ठीक है कुछ डिवेंचर्स हैं जो कि कितने हैं ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर हैं उनकी वैल्यू कितनी है वैल्यू भी दिख लेते है? हैं कितनी है फिफ्टी थाउजेंड है इस कंपनी में यहां पर इनके फिफ्टी थाउजेंड रुपीज के जो है डिवेंचर्स हैं राइट कंपनी एक्सपायर कंपनी क्या बोल रही है कि द इश्यू ऑफ

और उसके बाद जो अमाउंट आएगा कंपनी के हम अपनी कंपनी में इनको फोर्टीन परसेंट डिस्काउंट फोर्टीन परसेंट डिबेंचर इशू करेंगे बट वो करेंगे 100, कि के पास 500, यहां पर इस कंपनी ने टोटल जो है पांच सौ डिबेंचर इशू किए थे राइट लेकिन अब हमें यहाँ नहीं पता यहाँ पर कंपनी कितने डिबेंचर इशू करना चाह रही है बोल रही है हम सेम वैल्यू पे जो कि साठ हजार डिस्चार्ज करेगी प्रीमियम के साथ तो जो वैल्यू सेम वैल्यू पे वैल्यू पे कंपनी में, में इशू करेंगे डिवेंजर्स। तो नए डिवेंचर की वैल्यू कैसे देखिए वैल्यू कितनी है साठ हजार है तो डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस फोर राइट तो ये वैल्यू आपके देखिए so इसकी जो फेस वैल्यू वो कितनी है सिक्सटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड है राइट right, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दे रही है वो ढाई हजार का डिस्काउंट कितना दे रही है साढ़े हजार का सॉरी ढाई हजार का राइट right? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया इंपोर्टेंट था ये देन वाइल कंप्यूटिंग द द मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग इतने पे ले रही है प्लांटेड मशीन इतने पे स्टॉक इतने पे सनरी डेटर फेस वैल्यू पे ले रही है अच्छा सनरी डेटर पे जो यहाँ पर वो प्रोविजन फॉर डारेट क्रिएट कर रही है कितना चार परसेंट का लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है तीस हज़ार का राइट चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं अब पच्चीस घंटे तो हमने निकाली नेट में मेथड से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ईजी है अब इन द बुक्स ऑफ केलम लिमिटेड यानी कि दो कंपनी डिजोल्व हो रही है उस कंपनी का हम रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं पहले आपको सारे जो है यहाँ पर ये ऐसे लिखनी है एट बुक वैल्यू गुडविल लैंड गुडविल्डिंग प्लान मशीनरी स्टॉक डेटर्स सी हो गया लिक्विडेशन एक्सपेंस वो भी ये कर रहे हैं देन क्रेडिटर्स इतनी पेमेंट हम मिल रही है अब आपको पता है यहाँ पर एक ही ओनर है दैट इज इक्विटी शोल्डर तो बैलेंस अमाउंट तो आपको यही आने वाला है कोई दिक्कत नहीं है राइट देन इक्विटी शोल्डर देखिए यहाँ पर नई कंपनी से नौ लाख के मिल रहे हैं पहले इतने थे इतने जनरल रिजर्व इतना पी एंड एल रिलेशन इतना बाकी बैंक अकाउंट कोई दिक्कत नहीं है अब आ रहे हम जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड यानी कि ट्रांसफ्री कंपनी

डिमेंचर ने इशू किया प्रीमियम पे तो दैट मीन्स सॉरी ये डिस्काउंट होगा डिस्काउंट तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी तो नंबर ऑफ डिमेंचर कितने हो गए छः सौ पच्चीस तो फेस वैल्यू कितनी होगी सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो डिस्काउंट कितना हो गया ढाई हज़ार का दैट्स इट सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अब हम नेक्स्ट बीट लेक्चर में हम जो है नए कंसेप्ट के साथ आऊँगा मैं तो तब तक, तक आप इसको अच्छे से समझ लो बिकॉज अगर आप ये नहीं समझ नहीं पाए तो आप नए जो टॉपिक है वो भी समझ नहीं पाओगे ऑल राइट थैंक यू